इस प्रोटेस्ट के बारे में ये जम्मू कश्मीर की हर मकामात पर हर जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे। आप मीडिया वाले बखूबी जानते हैं कि यूपी के अंदर लखनऊ की राजधानी के अंदर रहने वाला एक वसीम रिजवी नाम का एक मलून और जाहिल इंसान जिसने मजहब इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, जिसने कुरान की तोहीन और गुस्ताखी की, आज इसी के मुतालिक प्रोटेस्ट था। हम मीडिया के तवासुत से और मीडिया के ज़रिए से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हर हर फर्द की तरफ से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं और मरकज़ी हुकूमत को कि इस तरह के गुस्ताखे कुरान को कुछ जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। जो भी आईने हिंद के अंदर बड़ी सज़ा हो वह ऐसे मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग उम्मत मुस्लिमा के और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसको अंदर उस भाईचारे को तार तार करने वाले और मुंतशिर करने वाले ऐसे लोग गद्दार हैं, ऐसे इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत इसको कुछ सज़ा नहीं देती है और इसकी अर्ज़ी को अदलिया खारिज नहीं करती है, इसकी अपील को रिजेक्ट नहीं करती है, जिसने ये कहा कि 26 आयतें कुरान की जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है वसीम रिजवी, सबसे बड़ा इस वक्त उम्मत का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसको हम दहशतगर्द कहते हैं, हम इसी को दहशतगर्द करार देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं मीडिया के वास्ते से हमारा ये पैगाम गवर्नमेंट इंतज़ामिया को पहुंचे। आज ये प्रोटेस्ट जो हुआ ये पुरामन तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले भी पूरे जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह प्रोटेस्ट होता रहा। और हम फिर ठाठी के आवाम से ये प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं कि इस तरह के डकैत जो मज़हब के ऊपर हमला करने वाले हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे इससे पहले तस्लीमा नसरीन हो, सलमा रुश्दी हो या तारिक फतेह दूसरे मुल्क का रहने वाला बाशिंदा हो, इस तरह के लोगों को पनाह न दी जाए, उनको सिटीज़नशिप न दी जाए, बल्कि उनको जब अपना मुल्क वहाँ से जिला वतन करता है, वहाँ से रिजेक्ट करता है, वहाँ से भगाता है, तो हमारी हुकूमत हिंद और यहाँ अजल से ही जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं उनको यहाँ जगह देती हैं, उनका वेलकम करती हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ से भगाया जाए, और अपील करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी ज़ुबान को गवर्नमेंट और इंतज़ामिया ज़रूर लगाएगी ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं सदर जामा मस्जिद ओपन मस्जिद बट आज जो हमने यहाँ पर इमाम जामा मस्जिद ठाठरी ने और यहाँ के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, ये वसीम रजवी जो कि एक बहुत ही बड़ा शैतान है, पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा शैतान है, उसने कुरान पाक के ख़िलाफ़ जो भी बातें कही आज उसी के ख़िलाफ़ हमने ये प्रोटेस्ट निकाला। हम सभी यहाँ के आवाम उस इस बारे में प्रोटेस्ट किया कि उस शैतान को जल्द अज जल्द फांसी दी जाए, या तो उसको कैद किया जाए या मुलक बदर किया जाए। ऐसे शैतान पहले भी बहुत से हुए हैं और वो नामो नबूद हो गए और इंशाल्लाह ये भी इसका नाम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये शैतान कभी कभी हर कौम में, हर जितनी भी कौमें आज तक आई उनमें आते रहे, इंशाल्लाह ये शैतान बिल्कुल नास्त व नबूद हो जाएगा। मैं हमारी यही आज की प्रोटेस्ट थी कि इसको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को हमारे को दर्ज किया जाए और आला हुकाम तक पहुँचाया जाए और वहाँ की हुकूमत को मुतल्ला किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खुदा हाफिज़। वसलाम।